क्या दोस्तों आपने कभी ऐसा देखा है हकीकत में कि एक सारस और एक इंसान की दोस्ती हो सकता है। जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं कि वो एक इंसान बाइक पर चल रहा है तो उसके पीछे पीछे सारस भी बाइक पे चल रहा है, उसके बाद एक इंसान के साथ बैठ के खाना खा रहा है, उसके बाद बहुत सारे हरकतें कर रहा है। आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूँगा, ये कहानी हकीकत है और ये कहानी मेरठ के रहने वाले मोहम्मद आरिफ के साथ ऐसा हुआ है। लेकिन दोस्तों पूरा मामला क्या है जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें, जरा सा भी स्किप ना करें। दरअसल मेरठ के रहने वाले मोहम्मद आरिफ के ये मतलब सारस लगभग 1 साल से हैं और बॉलीवुड के बहुत सारे सेलिब्रिटी भी इससे मिलने आए हैं और बहुत सारे नेताओं ने भी इसके साथ मिलने आए हैं, खास करके आरिफ के साथ और उसके साथ सारस से भी मिले हैं। लेकिन दोस्तों हाल फिलहाल में जब सारस के साथ मोहम्मद आरिफ का वीडियो वायरल हुआ, उसके साथ आरिफ के पीछे नज़र पड़ गया विलन के यानी कि जंगल विभाग के लोगों का। जी हाँ दोस्तों, हाल फिलहाल में अभी सारस को लेकर के जंगल विभाग के टीम ने सारस को लेकर के चिड़ियाघरों में रख दिया गया है। उसके साथ साथ मोहम्मद आरिफ पर जुर्म का आरोप भी लगाया गया है। जी हाँ दोस्तों, वो आरोप क्या लगाया गया है आप लोग बड़ी आसानी से देख सकते हैं वीडियो में। वन विभाग से नोटिस आया है कि आपके नाम मुकदमा पंजीकृत किया गया है, सारस पक्षी जो मेरा दोस्त बन गया था, इसलिए उसका पैर टूटा हुआ था तो हम घर में लाके इलाज किए और हम चाहते थे वो चला जाए जंगल में अपने परिवार के साथ जाके रहे, लेकिन वो मेरे साथ रहने लगा। हमने उसे पाला नहीं था, वो अपनी स्वयं इच्छा से आता था, स्वयं इच्छा से जाता था। इसमें दोस्तों अब सवाल आता है कि सारस और मोहम्मद आरिफ का दोस्ती हुआ कैसे और जंगल विभाग तक ये बात पहुंचा कैसे। दरअसल ये कहानी शुरू हुआ था 1 साल पहले, जब सारस किसी कारणवश घायल हो गया था और मोहम्मद आरिफ को सारस मिला। उसके बाद मोहम्मद आरिफ ने उसकी अच्छी तरीके से मरम्मत करते हुए, उसके बाद जब वो अच्छी तरह से क्लियर हो गया, सही हो गया, उसके बाद मोहम्मद आरिफ ने सारस को जंगल में छोड़ने गया। लेकिन सारस जैसे ही आरिफ ने जंगल में सारस को छोड़ा, लेकिन दोस्तों सारस ने फिर उसके साथ साथ आरिफ के घर वापस आ गया। उसके बाद कई बार कोशिश किया मोहम्मद आरिफ ने जंगल में छोड़ने की, लेकिन दोस्तों सारस ने उसका साथ नहीं छोड़ा, उसको अपना दोस्त ही मान लिया। लेकिन जब सारस के साथ मोहम्मद आरिफ ने वीडियो बनाना शुरू किया, उसके बाद जंगल विभाग की ओर से नोटिस आ गया आरिफ के पास। वो नोटिस आप वीडियो में देख सकते हैं स्क्रीन पर, वो नोटिस क्या है। उसके बाद सारस को तो आरिफ के यहाँ से लेकर गया, उसके बाद सरकारी चिड़ियाघर में बंद कर लिया। लेकिन उसके बावजूद भी आरिफ का पीछा नहीं छोड़ा जंगल विभाग ने। उसको नोटिस डालते हुए बताया गया कि आपको कम से कम 1 साल की सज़ा हो सकती है। लेकिन दोस्तों क्या ये आरिफ के साथ सही हुआ या नहीं हुआ, इसके बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्या सारस को आरिफ के पास लौटा देना चाहिए या फिर सारस को आरिफ के पास लौटाना नहीं चाहिए, या फिर सारस आरिफ को 1 साल का सज़ा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर